चलिए आज बनाते हैं वेजिटेबल उपमा। ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए बड़ा सा एक प्याज, 3-4 बीन्स कट कट कर लिया है, आधा कैप्सिकम, आधा कैरेट, आधा आलू, एक छोटा टमाटो, 7 हरी मिर्च, थोड़ा पुदीना पत्तिया, हरी धनिया थोड़ा, करी पत्ता थोड़ा, अदरक 1 इंच का पीस कर लिया है, 1/4 कोकोनट का ये है ना वो ऐसे पीस कर लिया है, नमक 1 स्पून, ये दालचीनी, 2 लवंग, ये एलायची, ये तेज पत्ता और 1 ग्लास रवा लिया है, ये 250 ग्राम का है। इधर कढ़ाई रख लिया है, इसमें 3-4 स्पून तेल डाल लिया है। अभी तेल गर्म होने पर राई 1/2 स्पून, मूंग दाल थोड़ा 1/2 स्पून, चना दाल 1/2 स्पून, जीरा 1/2 स्पून डालकर फ्राई करना है। अभी ये दाल फ्राई हो गया, इसमें ये तेज पत्ता, दालचीनी, 2 लवंग, ये एलायची रखी थी ना वो डाल देती हूँ, इससे स्मेल बहुत अच्छा आता है। और 1/2 इंच अदरक पीस कर रखी थी वो भी डाल देती हूँ, हरी मिर्च, 7 हरी मिर्च, करी पत्ता, इसके मतलब डाल लेते हैं कि प्याज के साथ ही कुक हो जाता है। ये पुदीना भी डाल देते हैं। अभी देखिए ये सब्जी सब कुक हो गया। अभी इसमें ये रवा डाल देते हैं। और टमाटो भी डाल देते हैं। डालकर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इधर गर्म पानी रखी हूँ, 1 ग्लास रवा के लिए 2.5 ग्लास पानी रखी हूँ, 1-2 मिनट इसे फ्राई कर लेते हैं। ये कितना कलरफुल दिख रहा है वेजिटेबल सब डाले, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी स्टेज में ये पानी गर्म करेंगे, नमक भी डाल लेते हैं इसके बीच में, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस स्टेज में थोड़ा गरम दूध 1 छोटा ग्लास डालती हूँ, इससे बहुत टेस्ट आता है। होटल जैसा सॉफ्ट भी आता है। अब आप धीमी करके ये हरी धनिया, ये कोकोनट, एक मिक्स करके धीमी आंच पर
लिड क्लोज करके 2 मिनट तक रख देते हैं। देखिए ये हो गया, इसमें आधा स्पून घी डाल देते हैं ऊपर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हो गया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। होटल जैसा सॉफ्ट आया है, देखिए कितना सॉफ्ट आया है और कलरफुल भी दिख रहा है। अब चाहिए तो हल्दी डाल सकते हैं, मैं अभी नहीं डाली हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है। अभी देखिए होटल जैसा ये आया है, कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप भी घर पर बनाइए, कैसे बना कहकर मुझे कमेंट पर कहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।